हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी क्लास 12th में इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स देन सिनोनियम्स देन सिंटेक्स। फ्रेंड्स, ये आपके छोटे मार्क्स में तो होते हैं, कम से कम मार्क्स में होते हैं, बट आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं ये। सो फ्रेंड्स, इन मार्क्स को आप अच्छे से तैयार करें, छोटे से छोटे मार्क्स आप तैयार कर लेते हैं। ग्रामर में तो आपको काफ़ी समय लगता है, बट ये चीज़ आप लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये इजीली कम से कम टोटल 8 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स ये हैं, 3 मार्क्स ये, और 2 टोटल ऐड करेंगे तो हमारे 8 मार्क्स हैं। तो 8 मार्क्स इजीली हम पा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको अच्छे से तैयार करना है और ये छोटे छोटे मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा पहला एंटोनियम्स है। एंटोनियम्स हमारे पेपर में 3 मार्क्स में आते हैं, ओके, 5 से 6 के आसपास ये एंटोनियम्स आते हैं। सिनोनियम्स हमारे फ्रेंड्स 3 मार्क्स के आते हैं, सिनोनियम्स भी 4 से 6 उसमें सिनोनियम्स होते हैं, ओके। सिंटेक्स हमारे 2 मार्क्स का आता है, कोई भी 2 या 3 सिंटेक्स आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे मार्क्स आपको गेन करने हैं इस वीडियो में। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सर्च के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाई है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मुझे बताएं कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे हम एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या है? विलोम शब्द, ओके। तो एंटोनियम्स हमारा विलोम है। तो विलोम शब्द को हम कैसे याद करते हैं? पहले हमें हिंदी मीनिंग पता होगा, फिर उसका हम इंग्लिश मीनिंग बना लेंगे आराम से। सो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश मीनिंग पता है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों आपको पता होने चाहिए, ओके। और ये मैंने 5 से 7 जो भी लिखे हैं इसको आप अच्छे से तैयार करें, पूरे को लर्न करें, और फ्रेंड्स साथ के साथ नोट भी करते चलें। नोट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता है हमारे पेपर में काफ़ी कम समय रह गया है और काफ़ी कम समय में हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो तैयारी आज से शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक इसमें हमारा वर्ड है एंसीडेंट। एंसीडेंट का हमारा मतलब होगा मॉडर्न, ओके। फिर है बरेन मीन्स फेरेटल, डिमांड सप्लाई, ठीक है। हमें हमेशा अपोजिट बनाना होता है, इसका विलोम बनाना होता है, फ्रीडम सिल्वर, ड्रेबली कवर्डेज। तो ये सारे आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो इजिली 4 से 5 बार में आपको ही याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं हम सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स है हमारे, पहला हमारा सिनोनियम्स है कंफ्यूज मीन्स एडमिट या एक्सेप्ट, ओके। फिर डिसेटर मीन्स कंप्लीटली, इसका नेक्स्ट है हमारा एरर मीन्स मिस्टेक, हम्बली कमिक, टिमिड का हमारा है कवर्ड। ये आपको सारे याद होने चाहिए फ्रेंड्स, ओके। काफ़ी कम कम वीडियो में मैंने लिखे हैं और आपको इजिली पता होने चाहिए कि आपने जो भी लिखा है उसको आप याद करें, ठीक है। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। फ्रेंड्स, सिंटेक्स में हमें क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब है हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस को हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है, वो आप देखें इसमें कि किस टाइप से वो इनकरेक्ट देते हैं और करेक्ट हम कैसे बनाते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो राइजेज इन द ईस्ट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसमें क्या लगाना है? द लगाना है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इस टाइप से आप सिंटेक्स को करेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी सेट में काफी रिपीट हो चुके हैं, तो आप मैंने इसलिए आपके लिए लिखे हैं, और चाहो तो आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। सेकेंड है डू नॉट मेक नॉइज, तो इसमें क्या करना है? डू नॉट मेक अ नॉइज, आपको खुद ही पता लग जाता है मेक नॉइज में ए का डिफरेंस है, तो डू नॉट मेक अ नॉइज। थर्ड है व्हाई यू वर अब्सेंट लास्ट मंडे, ठीक है। तो व्हाई वर यू अब्सेंट लास्ट मंडे, हमारा यू से पहले मतलब वर पहले आता है, यू बाद में आता है, तो व्हाई वर यू अब्सेंट लास्ट संडे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट सेंटेंस छोड़ा है, ही वॉन्ट टू लखनऊ बाय अ कार। तो इसको आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका राइट क्या बनेगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है फ्रेंड्स, जिससे कि आप मुझे कमेंट में बता सके आपको समझ में आया है या नहीं, इसका राइट करके आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।